वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 6 अप्रैल 2024, और 6 अप्रैल 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल लॉन्च, सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक आयोजित, और मनमोहन सिंह 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हो गए, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में डेली आपको सुबह मेरी 7 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें, और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो आज की 6 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। किस मंत्रालय ने MyCGHS iOS ऐप लॉन्च किया? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने। हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया? तो हार्दिक सिंह को। 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो दक्षिण कोरिया ने। कौन सा देश अपना पहला वाणिज्यिक कच्चा तेल रणनीतिक भंडारण बनाएगा? तो वो बनाएगा अपना देश भारत। किस राज्य के राज्यपाल ने ताम्बरम में कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान और एक्यम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो तमिलनाडु के राज्यपाल ने। 125वीं वर्षगांठ मनाने वाली कोडाइन कनाल शोर वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए? तो कैनरा बैंक ने। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो ये रहेगी 7.5% है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया, और जो अपने पूरे साल की वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपको डेली तो टेस्ट मिल ही रहा है, और मार्च मंथ का पूरा कंप्लीट टेस्ट मिल गया, और कल आपको मार्च मंथ की PDF भी आपको मिल चुकी है, जिसमें आप डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। PDF को आप डाउनलोड कर लेना, वहां से शेयर करके आप उसका प्रिंट आउट है निकाल सकते हो। तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा अपनी चल रही है RPSC फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए भारत और राजस्थान का करंट, इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज है, और NCERT की चल रही है, जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल कहाँ लॉन्च की है? तो हमारे देश की है राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू, उन्होंने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी है जिसका नाम है CAR-T सेल, और इसको लॉन्च की है IIT बॉम्बे में। कहाँ पर है? IIT बॉम्बे के अंदर इसको लॉन्च किया गया। ये किससे संबंधित है? ये है आजकल पता है कैंसर की जो बीमारी है वो आपको पता है लगभग सबसे ज्यादा हो रही है, तो उसी के इलाज के लिए ये है एक जीन थेरेपी CAR-T सेल, और इसको IIT बॉम्बे में लॉन्च किया गया है। देखो, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 अप्रैल 2024 को IIT बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया। ये CAR-T सेल थेरेपी नामक ये अभूतपूर्व उपचार, ये कैंसर के खिलाफ एक लड़ाई में एक बड़ी सफलता मिली है। तो यहाँ पे एक बड़ी कैंसर के खिलाफ एक लड़ाई के अंदर बड़ी सफलता इसको माना गया है। IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा विकसित यह जीन आधारित थेरेपी है, वो विभिन्न प्रकार के कैंसर को ठीक करने में मदद करेगी, यानी कि हर प्रकार के ये कैंसर में कहीं भी हो तो उसको ये ठीक करने में उसको मदद करेगी। हाल में DRDO ने किस राज्य में देश की हथियार प्रणालियों के लिए एक परीक्षण केंद्र के लिए परियोजना शुरू की है? किसने? DRDO ने। तो DRDO ने किस राज्य के अंदर? पश्चिम बंगाल के अंदर। किसने? DRDO ने पश्चिम बंगाल में देश की हथियार प्रणालियों के लिए एक परीक्षण केंद्र के लिए परियोजना शुरू की है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। देखो मुख्य तथ्य, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने देश की हथियार प्रणालियों के लिए एक परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए
पश्चिम बंगाल के जुनपुट गांव में एक परियोजना शुरू की है, यानी कि अनुरक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने पश्चिम बंगाल में जुनपुट गांव में देश की हथियार प्रणालियों के लिए एक परियोजना शुरू की। इसका उद्देश्य होगा कि ये एक अतिरिक्त परिचालन क्षेत्र प्रदान करके उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज में परीक्षण गतिविधियों की संपत्ति को संबोधित करना, यानी कि जिस प्रकार उड़ीसा में परीक्षण किए जाते हैं उसी प्रकार पश्चिम बंगाल से भी जुनपुर गांव से ये परियोजना शुरू की गई है। हाल ही में एससीओ के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई? एससीओ, एससीओ का मतलब शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन है ये, उसी के लिए सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं बैठक है, कहां पर आयोजित की गई? ये की गई कजाकिस्तान के अंदर है, और अपने भारत की तरफ से इसके अंदर भाग लिया है अजीत डोभाल ने। किसने भाग लिया है? अजीत डोभाल ने अपने भारत की तरफ से नेतृत्व किया और कजाकिस्तान के अंदर इसका इस बैठक का आयोजन किया गया। तो शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक 2 से 3 अप्रैल 2024 तक है कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई थी। 2 और 3 अप्रैल 2 दिन के लिए कजाकिस्तान के अस्ताना में ये बैठक आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया था। तो अपने भारत की तरफ से इसके अंदर जो नेतृत्व है वो किसने किया था? अजीत डोभाल ने इसमें अंदर नेतृत्व किया। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया? ये किया है आयुष्मान खुराना को। ऑप्शन नंबर सी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये आयुष्मान खुराना है और अभी हाल ही में इनको निर्वाचन आयोग ने यूथ आइकन के रूप में इनको नियुक्त किया है। तो भारत के चुनाव आयोग ईसीआई ने आगामी लोकसभा चुनाव में युवाओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लोकप्रिय अभिनेता आयुष्मान खुराना को शामिल किया है। तो आगामी लोकसभा चुनाव है, आपको बताए उसी के अकॉर्डिंग युवाओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आयुष्मान खुराना को निर्वाचन आयोग ने अपने अंदर शामिल किया है। हाल ही में 10,000 मेगावाट की नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देसी कंपनी कौन सी बनी है? हाल ही में 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देसी कंपनी बनी है अंडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अभी हाल में मैंने बताया था कि गुजरात के अंदर भी इसने अपना जो है पहला परिचालन वो शुरू कर दिया है, तो अभी इसी के साथ इसने 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली ये पहली कंपनी बन गई अंडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो एजीएल ने गुजरात के खावड़ा में, कहां पर है ये? गुजरात के खावड़ा में 2,000 मेगावाट है सौर ऊर्जा के साथ है 10,000 मेगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता को पार है कर लिया। अभी जो गुजरात के अंदर इन्होंने जो परिचालन शुरू किया है ना, संयंत्र शुरू किया, उसके अंदर क्या है 2,000 मेगावाट है सौर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उसी के साथ टोटल मिलाकर अब 10,000 मेगावाट को क्षमता को पार कर लिया। ऑपरेशनल ब्रेकडाउन 7,393 मेगावाट श्योर और 1,401 मेगावाट पवन और 2,140 मेगावाट है हाइब्रिड है, तो ये इसको मिलाकर हो गया। और वित्तीय वर्ष 2024 में 2,848 मेगावाट को जोड़ा गया, यानी कि अब 2024-24 के अंदर है ना 2,848 मेगावाट है सौर ऊर्जा के साथ इसको जोड़ा गया है, तो ये सबसे टॉप पर आ गई है अंडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। फोर्ब्स की 38वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2024 में दुनिया के टॉप 100 अरबपति की सूची में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभी फोर्ब्स की 38वीं वार्षिक विश्व अरबपति की सूची आई है और इसके अंदर दुनिया के टॉप 100 के अंदर इस अरबपतियों की सूची में एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने जगह बनाई है और जिनका नाम है मुकेश अंबानी। कौन है? मुकेश अंबानी ने टॉप 10 के अंदर जगह बनाई है, इनका स्थान है 9वें स्थान पर है। कौन सा स्थान है? अरबपतियों के अंदर कौन से व्यक्ति हैं ये? इनका मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर। तो फोर्ब्स की 38वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2024 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं मुकेश अंबानी, दुनिया के टॉप 10 अरबपति की सूची में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय बने हैं। तो ये टॉप 10 के अंदर आगे अरबपति की सूची में
मुकेश अंबानी। इस सूची में मुकेश अंबानी टॉप 10 के अंदर इनका 9वां स्थान आ गया। और सबसे टॉप पर है फ्रांसीसी लग्जरी दिग्गज एलविएमएच के मालिक हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली। इनके जो बर्नार्ड अर्नोल्ट है ये सबसे टॉप पर हैं फ्रांसीसी दिग्गज अभिनेता। और इसके अलावा जो मुकेश अंबानी है वो अपने 9वें स्थान पर है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर कार्तिक कोमोरी को। ऑप्शन नंबर एक, किसको? डॉक्टर कार्तिक कोमोरी को राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखो मुख्य तथ्य, डॉक्टर कार्तिक कोमोरी अपनी असाधारण रोगी देखभाल और ऑर्थोडोंटिकस और दंत चिकित्सा में समकालीन अभ्यास के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो ये रोगी देखभाल है और दंत चिकित्सा में ये अभ्यास के लिए प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उनके प्रयासों की मान्यता में डॉक्टर कोमोरी को मुंबई के द क्लब में आयोजित नेशनल फ्रेम अवार्ड 2024 में ओवरसीज डेंटल स्पेशलिस्ट यानी कि ऑर्थोडोंटिक्स और ओरोफेशियल पेन की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। तो याद रखना, ओवरसीज डेंटल स्पेशलिस्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया। किसको? डॉक्टर कोमोरी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में विश्व बैंक ने किसे आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया है? तो वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। तो अभी हाल ही में इन्होंने आर्थिक सलाहकार पैनल के रूप में नियुक्त किया है राकेश मोहन को। ऑप्शन नंबर डी, किसको? राकेश मोहन को आर्थिक सलाहकार पैनल के अंदर नियुक्त किया है। किसको? राकेश मोहन को। तो विश्व बैंक समूह ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर है ये राकेश मोहन को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। तो ये आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर है राकेश मोहन, इनको आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया। इस पैनल की अध्यक्षता लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र और सरकार के आईजी पटेल प्रोफेसर लॉर्ड निकोलस ट्रने करेंगे। तो इसकी अध्यक्षता है वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र और सरकार के आईजी हैं पटेल प्रोफेसर है लॉर्ड निकोलस टर्न इसकी अध्यक्षता करेंगे। हाल ही में कौन 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हो गए? तो ये हो चुके हैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं, ये 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हो गए। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हो गए। ये दो बार देश के प्रधानमंत्री रहे। 91 वर्षीय मनमोहन सिंह के बतौर संसदीय आखिरी पारी रही थी। यानी कि अब कई ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनका अभी राज्यसभा के अंदर जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो अभी एक तो मनमोहन सिंह का कार्यकाल पूरा हो गया, ये रिटायर हो गए 3 अप्रैल को। इसके अलावा मनमोहन सिंह के अलावा वर्तमान सरकार के दो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों का कार्यकाल भी 3 अप्रैल को राज्यसभा में समाप्त हो गया। इसके अंदर है राज्यसभा सांसद और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का राज्यसभा में कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो भूपेंद्र यादव और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी राज्यसभा में कार्यकाल समाप्त हो गया। और इधर डॉक्टर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी राज्यसभा से रिटायर हो गए। नेक्स्ट देखो, शतरंज की विश्व नियामक संस्था द्वारा जारी नवीनतम FIDIDE रैंकिंग में भारत के नंबर वन शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में एक ताजा एक संस्था नवीनतम आंकड़े आए हैं शतरंज के अंदर है। तो शतरंज की विश्व नियामक संस्था द्वारा जारी नवीनतम FIDE रैंकिंग में भारत के नंबर वन अब खिलाड़ी आगे अर्जुन एरिगेसी। ऑप्शन नंबर एक, एक नया नाम अब जुड़ चुका है शतरंज खिलाड़ी के अंदर है अर्जुन एरिगेसी, ये अब भारत के टॉप शतरंज खिलाड़ी बने चुके हैं। देखो, शतरंज की विश्व नियामक संस्था द्वारा जारी नवीनतम FIDE रैंकिंग में भारत के पास है एक नंबर वन शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी बन गए हैं। 2756 की मानक रैंकिंग के साथ में एरिगेसी दुनिया में 9वें स्थान पर है और यह ओपन मानक सूची के टॉप 10 में उनका पहला प्रदर्शन है। अब देखो, दुनिया के अंदर अगर अपने बात करें इनकी तो दुनिया के अंदर इनका 9वां स्थान है, लेकिन भारत के अंदर अपनी बात करें तो भारत के नंबर वन ये टॉप शतरंज खिलाड़ी बन गए। एरिगेसी के बाद में 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद हैं जो FDI सूची में दूसरे स्थान पर रहने वाले
भारतीय हैं। तो पहले स्थान पर अर्जुन एरिगेसी आ गए और दूसरा स्थान किसका आ गया, विश्वनाथ है आनंद का। हाल ही में नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे होने का जश्न कहाँ मनाया है? हाल ही में नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे होने का जश्न कहाँ मनाया, तो ये मनाया है ब्रुसेल्स के अंदर। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स के अंदर है नाटो ने अपना 75वां वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जश्न बनाया है। तो 4 अप्रैल को इनकी वर्षगांठ बनाई गई है, नाटो की स्थापना हुई थी, तो ब्रुसेल्स के अंदर है 75 वर्ष पूरे होने का जश्न बनाया गया। तो नाटो ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सामूहिक रक्षा के 75 वर्ष पूरे कर लिए। यह स्थापना दिवस रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच मनाया जा रहा है। तो रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है, उसी के बीच में नाटो का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। नाटो की स्थापना मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों सहित 12 देशों द्वारा नाटो की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, नाटो के वर्तमान में महासचिव हैं जेन्स स्टोलेनबर्ग। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को और नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका मुख्यालय है। तो कई बार एग्जाम के अंदर है नाटो के महासचिव पूछ ले जाते हैं, तो नाटो के महासचिव है जेन्स स्टोलेनबर्ग। हाल ही में स्कोरेस 2.0 का अनावरण किसने किया है? हाल ही में स्कोरेस 2.0 का अनावरण किसने किया, ये किया है सेबी ने। किसने किया है? सेबी ने स्कोरेस 2.0 का अनावरण किया है। तो ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशकों की शिकायतों के समाधान के लिए इस तंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी शिकायत निवारण प्रणाली स्कोरेस का उन्नत संस्करण स्कोरेस 2.0 लॉन्च किया और ये 1 अप्रैल 2024 से निवेशकों को अपडेटेड सिस्टम का उपयोग करना होगा। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। ये किस लिए है? ये सिर्फ है जो निवेशक है उनकी शिकायतों के समाधान करने के लिए अभी उन्होंने स्कोरेस 2.0 लॉन्च किया है। किसने किया है? सेबी ने इसको लॉन्च किया है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन आ गया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, कौन से खिलाड़ी एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी, तो वो है नोवाक जोकोविच। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2024 का 23-24 का समर विजेता कौन बना है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी आपको एलडीसी वगैरह है, इसके अंदर मंथली पीडीएफ वगैरह है, सीटी के अंदर भी पीडीएफ है, करंट वगैरह, टेस्ट वगैरह सब आपको लगातार आपको दिए जा रहे हैं। तो अब ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा आरपीएससी की अपनी ये चल रही है, आरपीएससी के द्वारा ओल्ड प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं अब तक उनकी भी पीडीएफ अपलोड है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों की अपलोड है और साथ में आंसर की भी लगी हुई है। तो ये भी आप ले सकते हो, मात्र 30 और 50 रुपए के अंदर है, ये भी आप ले सकते हो। इसके अलावा अपनी एनसीईआरटी है और अभी मैंने ताजा आपको पिछले 3 महीनों की करंट अफेयर्स की क्लास भी मैंने दे दी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।